मेरे मित्र प्लीज, हमने वो दिन देखे कि कांग्रेस ने मिलकर पहले शेख अब्दुल्ला को गद्दी पर बिठाया, सारे देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान, एक ध्वज, एक निशान। लेकिन पंडित नेहरू जी ने देश की बजाय दोस्ती को पहले रखा और जम्मू कश्मीर में दो ध्वज, दो प्रधान, दो संविधान लाए। 70 साल आप देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहां बलिदान दिया, बलिदान यहां पर हम सब लोगों के लिए, कहां बंगाल से चलकर आए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। बाद में इसी शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस ने जेल में डाला, फिर जेल से निकाला, जेल में डाला, देशद्रोह का पर्चा डाला, देशद्रोह का पर्चा। फिर लाकर शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया, जबरन निकाला गया, नारे लगाए गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितानियों के साथ, कश्मीरी पंडितों के बिना। घरों के बाहर पोस्टर लगा देंगे कि कश्मीरी पंडितों कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी पत्नियां और बेटियां हमारे लिए छोड़ के जाओ, क्योंकि उनके पेट सब मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे। आज जो भी वोट मांगने आ रहा है, चाहे वो कुचलू साहब हो या पूजा ठाकुर, ये वोट फारूक अब्दुल्ला के पास पहुंचने वाला है। ये वोट याद करिए, बारात आती थी, बारात की बारात मार दी जाती थी, बलात्कार होते थे, दिन दिहाड़े बसों से निकालकर हत्याएं की जाती थी, मारा जाता था, चुन चुन कर वो कश्मीर से निकाला गया। आप कहां थे? फारूक साहब आप मुख्यमंत्री थे, आपकी ड्यूटी थी उनकी रक्षा करना। आज जो लोग वोट मांगने आए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, बटना नहीं, ना जाति के नाम पर बटना, ना धर्म के नाम पर बटना, हमें देश के नाम पर इकट्ठे रहना है, जम्मू कश्मीर की शांति के नाम पर इकट्ठे रहना है, जम्मू कश्मीर के भविष्य के नाम पर इकट्ठे रहना है। पूछिएगा जरूर, जब कांग्रेस का व्यक्ति, एनसी का व्यक्ति, पीडीपी का व्यक्ति वोट मांगने आए, तो उनसे पूछिएगा